जहानाबाद जिले के राजद पार्टी द्वारा देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल महंगाई के खिलाफ NH-83 पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में राजद के मगध सम्राट बेलागंज के विधायक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, मखदुमपुर के विधायक सतीश दास सहित राजद के कई नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और कहा कि वर्तमान सरकार में कमर तोड़ महंगाई से आम लोगों की जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई है और जब भाजपा सरकार नहीं थी तब सड़क पर उतरकर महंगाई के खिलाफ नारेबाजी किया करते थे, लेकिन आज यह महंगाई बढ़ाकर जनता की समस्या को और बढ़ाने में जुटी हुई है। जल्द से जल्द केंद्र सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाम लगाए ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। राजद द्वारा महंगाई के खिलाफ जहानाबाद स्टेशन से समाहन नालाय तक पैदल आक्रोश मार्च किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर हल्ला बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। परम आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी ने आपको संबोधित किया, सर्वविदित है और आप लोग भी उसके साक्षी हैं, गवाह हैं कि जिस तरह यह राज्य सरकार से लेकर के केंद्र की जो सरकार है, जिस तरह चुनाव के दिनों में बिहार के आवाम से और देश के आवाम के सामने जो वादा किया था, जो यातना क्षमा किया था कि हम जब शासन और सत्ता में आएंगे तो इस देश को खुशहाल करेंगे, इस देश को समृद्ध बनाएंगे, लेकिन जो जो बात इस बेईमान ने बोला, 2 करोड़ नौकरी से शुरू किया कि यहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को हम सबसे पहले 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का काम करेंगे, यहाँ के किसानों के खेतों में पानी देने का काम करेंगे, यहाँ के किसानों के खेतों में जो उपजाने के लिए खाद होता है उसमें सब्सिडी देने का काम करेंगे, डीजल में हम सब्सिडी देने का काम करेंगे और जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको हम मिटाने का काम करेंगे। लेकिन यह तो सरकार राज्य से लेके जो केंद्र में सरकार है यह आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। यह इनके नेताओं को 14 से पहले महंगाई डाइन लगती थी, लेकिन आज इनके नेताओं को, NDA के नेताओं को आज महंगाई भौजाई लग रही है। आप लोग सब विदित है, उस समय जब 60 से 65 रुपये पेट्रोल हुआ करता था तो भाजपा की नेत्री स्मृति ईरानी चूरी खनकाती थी और गली गली में घूम करके कहती थी कि मनमोहन सिंह को गद्दी छोड़ देना चाहिए। आप लोग सब लोग जानते हैं साथियों, इसलिए हमारे नेता परम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के कुर्बानियों को याद करते हुए, अमर शहीद जगदेव बाबू के कुर्बानियों को याद करते हुए और BP मंडल साहब के आरक्षण को याद करते हुए इन मनुवादी व्यवस्था के और अंग्रेजों के पोस्कों के चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि यह जो भ्रष्टाचार है, यह जो महंगाई है, उसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल का जो पूरा सिपाही आज सड़क पर उतर करके सरकार और उनके बेईमान अधिकारियों को चुनौती देगा, प्रतिकार करेगा इस महंगाई के खिलाफ में, उसी को लेकर के हम लोग यहाँ सभी राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, आदरणीय राम बलि चंद्रवंशी जी, आदरणीय सतीश दास जी, आदरणीय पूर्व विधायक मखदुमपुर और पूर्व विधायक जहानाबाद भी सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। समूचे हुजूम के साथ हम लोग पूरी तरह इस सरकार पर आज सड़क से आज हल्ला बोल रहे हैं और 26 तारीख से हम लोग सदन में हल्ला बोलेंगे। हम लोग किसी भी परिस्थिति में इस सरकार को नींद से सोने नहीं देंगे। सड़क पर उतरे हैं, किस कार्यक्रम को लेकर आज समरणालय पर? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, राजमाता राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तेज प्रताप, माननीय जगता बाबू जो हमारे बिहार प्रांत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने निर्णय लिया है कि 1 दिवसीय जुलूस प्रदर्शन होगा, धरना का कार्यक्रम होगा। इसलिए होगा कि 2014 में जो दाम था, जो 2014 में बेरोजगारी दूर हुआ था, आज 2014 के बाद 2021 में जो महंगाई है,
हर सामान का जो बेरोजगारी के आलम है, बीच बीच में कोरोना का धक्का दे देकर लोगों को कमर तोड़ दिया है। किसान रोड पर आ गया है, कई किसान मृत्यु के भागीदार बन गए हैं। कोई इस देश में देखने और सुनने वाला नहीं है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लोग अडानी और अंबानी के हाथों में यह देश को गिरवी रखकर बेचने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और ये मोदी जी, उनके सहयोगी नीतीश कुमार जी, अगर आप में दम है, आप 4 नंबर के पार्टी है, 4 नंबर के, और 1 नंबर दिखाते हो, 4 नंबर लाते हो, इसलिए आप सब दिन चोरी करके पास किए हैं। आपका चोरी इस बार पकड़ा गया है। आप में थोड़ा भी गिलानियत है, मोदी जी में थोड़ा भी दम और गिलानियत है, तो राष्ट्रपति शासन लगाओ, लागू कराओ, और दिल्ली से लेकर बिहार तक एक बार चुनाव कराओ, तुम्हारा औकात पता चल जाएगा दोनों लोग को। सुरेंद्र यादव काम किया है, किस वजह से सरकार के खिलाफ आक्रोश मार रहे हैं? देखिए, पूरे देश में हर एक गृहिणी आवाज दे रही है, मोदी तेरे शासन में बर्तन बिक गया राशन में। आज घर गृहस्थी चलाना गृहिणियों को मुश्किल हो रहा है, और नरेंद्र मोदी जी जो अच्छे दिन का वादा लेकर के आए थे, लेकिन अच्छे दिन तो झांसा है, 1000 में घरेलू गैस आता है। इन गृहिणी जोर जोर से चिल्ला रही है, और कोरोना में तमाम लोगों का रोजी रोजगार खत्म हो गया है, उसके सरकार लोगों को राहत देने के बजाय बेतहाशा मूल्य वृद्धि, कच्चे तेल के दाम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में न्यूनतम स्तर पर है, तो पूरी दुनिया में भारत में उच्चतम स्तर पर ग्राहकों को बेचा जा रहा है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हमसे अर्थव्यवस्था में पीछे पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम जो देश है, वहाँ पे 55 रुपये और 60 रुपये पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, वहीं भारत में 110 रुपये पेट्रोल और 100 रुपये डीजल पहुंच गया है। और जो 35 रुपये लीटर डीजल देने का वादा करके सरकार में आए थे, बहुत जल्द 135 रुपये का आंकड़ा छूने जा रहा है। तो इसलिए लोगों को जो हल्कानी हो रही, परेशानी हो रही है, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल बिहार में 2 दिवसीय आंदोलन की घोषणा की है, जो कल आपने देखा कि हर एक बाजार कस्बे में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता इस कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ में सड़क उतरा है। आज जिला मुख्यालय पर हम इस महंगाई के खिलाफ में सड़क पर हैं। यदि सरकार नहीं चेती तो आने वाला दिन में लंबी लड़ाई होगी, और इस भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और ये साबित